जयपुर में आज क्या कुछ हुआ आप देखिए हमारे साथ। भाजपा के राजस्थान के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और हरियाणा के लोकसभा चुनाव प्रभारी सतीश पूनिया ने रोहतक में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायक सिंह सैनी के साथ हरियाणा खेल गौरव पुरस्कार में शामिल हुए हरियाणा के राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों को पुरस्कार से सम्मानित किया। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी व हरियाणा भाजपा लोकसभा चुनाव प्रभारी डॉक्टर सतीश पूनिया ने देश दुनिया में तिरंगे का मान बधाने वाले अर्जुन अवार्डी, द्रोणाचार्य अवार्डी, भीम अवार्डी सहित विभिन्न अवार्डों को जीतने वाले खिलाड़ी को सम्मानित किया। जयपुर की मोहाना अनाज मंडी जयपुर में आज खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की टीम ने कार्रवाई करते हुए 6683 लीटर रणथंभौर ब्रांड कच्ची घानी सरसों तेल किया सीज है। अति खाद्य आयुक्त पंकज ओझा ने बताया कि रणथंभौर ब्रांड के कच्ची घानी सरसों तेल के निवाई से आने की सूचना मिली। कार्रवाई के दौरान सैंपल लिए गए और अमानक खाद्य तेल होने की आशंका पर 6683 लीटर रणथंभौर ब्रांड कच्ची घानी सरसों तेल आज सीज किया गया। कुछ दिनों पूर्व इसके सैंपल लिए गए थे जिसमें ये सब स्टैंडर्ड क्वालिटी के पाए गए थे, यानी घटिया क्वालिटी के सैंपल थे। ये तेल बाजार में जाने पर बहुत सारी समस्याएं ग्राहकों को हो सकती थी, इसलिए तत्काल घटिया होने की आशंका पर इसको सीज किया गया और सैंपल आदि दिए गए जो लेबोरेटरी में जाँच के लिए भिजवाए जा रहे हैं। और भी आगे की कार्रवाई की जा रही है। टीम में राजेश नागर, दीपक सिंधी, रमेश यादव, अवधेश गुप्ता और नंदकिशोर कुमावत शामिल रहे। राजकीय पम दीनदयाल उपाध्याय हॉस्पिटल गंगौरी बाजार जयपुर के स्त्री प्रसूति रोग एवं जनरल सर्जरी विभाग द्वारा ओवेरियन मॉस का दूरबीन से सफल ऑपरेशन किया गया। चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर हरजीत सिंह एवं अतिरिक्त अधीक्षक डॉक्टर आलोक तिवारी ने बताया कि 19 वर्षीय मरीज के 28 सेमी का ओवेरियन मॉस का लेप्रोस्कोपिक द्वारा सफल ऑपरेशन किया गया है। डॉक्टर मेघा अग्रवाल, आचार्य स्त्री एवं प्रसूति विभाग द्वारा बताया गया कि हरियाणा निवासी मरीज अचानक पेट दर्द की शिकायत लेकर अस्पताल में आए। डॉक्टर मुकेश शर्मा, जनरल सर्जरी विभाग के सहयोग से डॉक्टर मेघा अग्रवाल एवं उनकी टीम डॉक्टर मोनिका, डॉक्टर प्रतिभा, डॉक्टर शाहरुख, डॉक्टर मीनाक्षी ने दूरबीन द्वारा सफल ऑपरेशन किया। डॉक्टर मुकेश शर्मा जी ने बताया कि गांठ पूरे पेट में फैली हुई थी, ऐसे में दूरबीन से भी ऑपरेशन करने में कठिनाई आती है। ये ऑपरेशन शल्य क्षेत्र में काफी जटिल माना जाता है, ज्यादातर इतनी बड़ी गांठ का ऑपरेशन पूरे पेट पे चीरा लगाकर ही किया जाता है। आज मरीज 3 दिन बाद स्वस्थ एवं चलने फिरने वाली स्थिति में है। महावीर स्कूल में चल रही अग्रवाल समाज समिति चुनाव की मतगणना किसी भी कीमत पर नहीं रोकी जाएगी। ये जानकारी मतदान केंद्र पर चल रही मतगणना के दौरान मुख्य निर्वाचन अधिकारी राजू मंगोलीवाला ने मीडिया को दी। मंगोलीवाला ने कहा कि कोर्ट ने मतगणना और चुनाव परिणाम पर रोक लगाई है, इसकी हमारे पास कोई जानकारी नहीं आई है, इसलिए मतगणना जारी रहेगी। वही मतगणना व चुनाव परिणाम को लेकर एक ग्रुप कोर्ट से स्टे लेकर आया है, जिसके तहत कोर्ट ने मतगणना और चुनाव परिणाम पर रोक लगाई है। कोर्ट के स्टे ऑर्डर की कॉपी लेकर अपील पक्ष का वकील आया था। चुनाव समिति का बयान है कि कोर्ट का अधिकृत कर्मचारी लेकर आता है अधिकृत स्टे, बाद में कोर्ट के एक वकील मतदान केंद्र पर स्टे की कॉपी लेकर भी पहुंचे, लेकिन केंद्र पर मौजूद समाज के प्रतिनिधियों ने हंगामा कर उन्हें भी बाहर करवा दिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने भी समझाइश की, मगर चुनाव समिति ने स्टे की कॉपी नहीं ली और उन्हें वापस लौटा दिया। इस रात की सुबह नहीं होती जब तक हाथ में उसकी गर्माहट नहीं होती। चाय का प्याला, अखबार, साथ पुराना है, मिट्टी से जोड़ता है, खबरों की खुशबू से सारा घर महकता है, हर रंग में ढला, कहानियों से किस्सों तक ले जाता है बेरोक टोक देश के हर हिस्से तक। ये हकीकत का आईना है, ख्वाबों को सच करके दिखाता है। दैनिक नवज्योति, आपके लिए, आपके साथ। ये थे आज के मुख्य समाचार। विस्तार से जानने के लिए पढ़ते रहिए दैनिक नवज्योति। दैनिक नवज्योति के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट के लिए बेल आइकॉन दबाएं।